Assalamualaikum dear students, hope you are fine. Today we are going to study Lokmar English class 2. Let's start our lesson. Open the page number 6. Ji, page number 6. Today our topic is Ringo the Parrot. Ji students, kal hum is page ki reading kar chuke hain kal wale lecture mein aur aaj humne next reading karni hai page number 7 pe. Ji, one day एक दिन द चिल्ड्रन वर एट स्कूल, एक दिन बच्चे स्कूल में थे एंड मदर वाज इन द किचन विथ ग्रैंड मदर और अम्मी दादी जान के साथ बावर्ची खाने में थी. अ थीफ इंटर द हाउस, एक चोर घर में दाखिल हुआ. ही केम इन थ्रू अ विंडो इन द लिविंग रूम, वो एक खिड़की से दाखिल होकर बैठक में आया. There was no one there. वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था. He was about to pick up a beautiful vase. वो एक खूबसूरत गुलदान उठाने ही वाला था. When someone asked, किसी ने पूछा, Who is there? वहाँ कौन है? ठीक है. अब इस रीडिंग में से जो हमारे डिक्टेशन वर्ड्स हैं उसे ज़रा नोट करें. किचन, बावर्ची खाना. ग्रैंड मदर, दादी जान. विंडो, खिड़की. ब्यूटीफुल, खूबसूरत. वेज, गुलदान. वेज, गुलदान. जी, अब हमने कल फर्स्ट क्वेश्चन किया था इसका. आज हमने इसका सेकंड क्वेश्चन करना है. व्हाट वुड रिंगू से व्हेन ही वाज गिवन पीनट्स. व्हाट वुड रिंगू से व्हेन ही वाज गिवन पीनट्स, कि जब रिंगू को पीनट्स दिए जाते थे, मूंगफली दी जाती थी, तो वो क्या कहता था, क्या बोलता था. तो हमने यहाँ कल पढ़े थे, व्हेन ही वाज गिवन एप्पल्स, ग्रेप्स, पीनट्स और अगावा, ही वुड से थैंक यू. यहाँ ये सारे वो नेम ले रहे हैं, लेकिन इन्होंने पूछा है पीनट्स. तो हम यहाँ से करेंगे, व्हेन ही वाज गिवन पीनट्स. आपने पहले इतना याद करना है, व्हेन ही वाज गिवन पीनट्स. उसके बाद यहाँ से, ही वुड से थैंक यू. ये ही वुड से थैंक यू, ठीक हो गया. अब आपने इस ट्रांसलेशन को, डिक्टेशन वर्ड को और क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके राइट करना है, ठीक है. और इसको आपने राइट करने के बाद चेक भी करना है कि कहीं आपने गलत तो नहीं लिखा हुआ, ठीक है. ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़.